इस इमेज को आप देखिए, ये स्पेन में स्थित है और इसे मैजिक टैप भी कहते हैं, क्योंकि ये पानी कहां से आ रहा है ये अभी तक पता नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कोई पाइप भी नहीं है। पर ये पानी जो आ रहा है वो असली पानी है। और क्या आप ये जानते हैं कि सऊदी के एक प्रिंस ने एक गाड़ी ओन की है और ये पूरी की पूरी गाड़ी डायमंड से कवर है, और इसे सिर्फ टच करने के लिए, सिर्फ छूने के लिए आपको 1,00,000 रुपए देने पड़ेंगे। और आप इस इमेज को देखिए, ये पैसिफिक ओशन के एक तूफान की फोटो है और ये 37,000 फीट की ऊंचाई से ली गई थी। और कभी आपने ये सोचा है कि दूसरे प्लैनेट्स पर बारिश कैसे होती होगी? और यहाँ पृथ्वी पर तो पानी की बारिश होती है, लेकिन दूसरे प्लैनेट्स पर कैसी होती होगी? ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना। चाइना ने 13 अरब देकर एक टेलीस्कोप को बनाया है और ये दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप में से एक है। और ये टेलीस्कोप इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये एलियंस की एग्जिस्टेंस को पता कर सके। बहुत साल पहले एक आदमी ने 33 इंच मछली को पकड़ा था, पर वो फिश उसके साइज के हिसाब से बहुत हैवी थी। जब उसने वो फिश को काट कर देखा तो उसने वो ये देखा कि उसके अंदर एक बियर की बॉटल थी, पर ये पता नहीं कि वो बियर की बॉटल आई कहाँ से थी। 0 से 1000 तक गिनती में अगर आपको अल्फाबेट ए ढूंढना है तो आपको 1000 तक गिनना होगा। तो आप 1000 पहुँचने के बाद ही वही 1000 वर्ड में आपको ए मिलेगा, उससे पहले आपको ए और कहीं नहीं मिलेगा। एक स्टडी में ये पाया गया कि जो लोग ब्रांडेड कपड़े या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो वो लोग जब आप मुश्किल में होते हो तो वही ब्रांडेड पहनने वाले दोस्त आपकी मदद नहीं करते हैं। आपकी फ्रेंडशिप जितनी भी गहरी हो, आपकी मदद वो कभी नहीं करते हैं, ऐसा वो स्टडी में पाया गया था। इंडिया के लद्दाख में एक रेलवे ब्रिज को बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये आईफिल टावर से भी ज्यादा लंबा होगा, क्योंकि आईफिल टावर 324 मीटर ऊंचा है और इस ब्रिज की एस्टिमेटेड हाइट 359 मीटर की है, ऐसा ये बताया जा रहा है। बिल मॉर्गन नाम का एक शख्स था, उसे डॉक्टर्स ने ये डिक्लेयर किया कि वो अब मर चुका है, लेकिन इसके 15 मिनट बाद वो फिर से जिंदा हो गया। मर के जिंदा होने की खुशी में उन्होंने एक लॉटरी टिकट को खरीदा और 2 करोड़ की एक गाड़ी जीती। उसके बाद न्यूज मीडिया ने उन्हें और एक लॉटरी टिकट खरीदने के लिए कहा, सिर्फ लॉटरी टिकट के साथ एक फोटो खींचने के लिए। लेकिन जिस टिकट को उन्होंने सिर्फ फोटो खींचने के लिए लिया था, उन्होंने उस टिकट से भी एक लॉटरी जीती, और पता है कितनी? $2,50,000 की। वाह, किस्मत हो तो ऐसी। आपको तो पता ही होगा पानी का कलर कलरलेस होता है, पर कोलंबिया में एक ऐसी नदी है जिसका नाम है गैनो क्रिस्टलेस, और ये ऐसी नदी है जिसमें 5 कलर्स का पानी बहता है। तो ये जब बहता है ये कुछ ऐसा लगता है। इस इमेज में जो आप देख रहे हो, ये सिंगापुर का एक एयरपोर्ट है जो कि 1981 में ऐसा लगता था, और यही एयरपोर्ट को आप अब देखोगे, ये देखो कितना इम्प्रूव हो गया है, आसमान जमीन का फर्क है इन दोनों में। एक इंसान था जिसका नाम था वॉल्टर समरफोर्ड। अपनी लाइफ में उस पर 3 बार बिजली गिरी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके मरने के बाद भी उसके ग्रेव स्टोन, मतलब कब्र के ऊपर जो पत्थर होता है, उसके ऊपर भी बिजली गिरी थी। ब्लैक हेरॉन नाम का एक पक्षी है, ये एक ऐसा शेल्टर जैसा ऐसा बनाता है, और इसको देखने के बाद मछलियाँ क्या समझती हैं कि एक शैडो जैसा एरिया है तो ये सेफ जगह होगी। तो जब जैसे ही मछलियाँ इसके शेल्टर के अंदर आती हैं तो ये मछली को पकड़ लेता है। अब मैं जो क्लिप बताने जा रहा हूँ ये आपके होश उड़ा देगी कि कैसे रूबिक क्यूब सॉल्व होता है। ये देखो एक क्लिप। वाह, जिस क्यूब को सॉल्व करने में हमें घंटों मिनटों लग जाते हैं, वो इस मशीन ने 1 सेकंड से भी कम समय में कर दिखाया है। आपने स्पेस सूट को ऐसे व्हाइट या ऑरेंज रंग में देखा होगा जो कि एस्ट्रोनॉट्स पहनते हैं, तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये अंदर से कैसा होगा, यही स्पेस सूट अंदर से कैसा दिखता होगा? तो ये देखो, ये अंदर से कुछ ऐसा लगता है, इसमें इतने सारे पार्ट्स होते हैं।
क्या आप ये जानते हैं कि बोटॉक्स नाम का एक पॉइजन आता है और ये इतना जहरीला है कि इस पॉइजन का सिर्फ 4 ग्राम पूरी दुनिया के पॉपुलेशन को खत्म कर सकता है। देखो इसे, सिर्फ इसकी 4 ग्राम पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है, कितना जहरीला होगा ये। इस इमेज में जो आप देख रहे हो ये एक UFO या स्पेसशिप नहीं है, ये असल में एप्पल का हेडक्वार्टर्स है और इससे पहले ये ऐसा लगता था। देखो अभी कितना डिफरेंस आ गया है और इससे हमें ये भी पता चलता है कि एप्पल कितना आगे चला गया है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रिकेट में आप कितने हाईएस्ट रन एक बॉल पे मार सकते हो, आप कहोगे 6 रन। विक्टोरिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक मैच चल रहा था, बैट्समैन ने बॉल को हिट किया और वो बॉल एक पेड़ पे फंस गया और दो बैट्समैन 286 रन भागे, मतलब 6 किलोमीटर भागे थे उस बॉल को निकालने तक। पैराडोला नाम का एक मेंटल फेनोमेना होता है और इस फेनोमेना में लोगों को ऐसा लगता है कि वो डेली लाइफ की चीज़ों में अलग अलग चेहरे देखते हैं, कुछ इस तरह जैसे बादलों में अलग अलग शेप्स दिखना, दूसरे चीज़ों में ऐसा चेहरे दिखना। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो शायद आपको भी ये हो सकता है। आप ये बिल्डिंग्स में या मॉल्स में ऐसे स्फेरिकल सीढ़ियां देखते होंगे, तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये पहले किसने बनाए थे? ये लियोनार्डो डा विंची, जो कि बहुत फेमस पेंटर थे, ये आपको पता ही होगा ये कौन थे, उन्होंने ये सीढ़ियां ऐसे बनाए थे। इतने फेमस पेंटर ने स्फेरिकल सीढ़ियों का भी आविष्कार किया था। इस इमेज में जो आप देख रहे हो ये दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन है और इसका नाम है अल्फा एक्स, जो कि जापान की है और इसकी टॉप स्पीड आपको पता है कितनी है? इसकी टॉप स्पीड 400 किलोमीटर प्रति घंटे की है। आप जो कार्स देखते हो अभी, उनकी बहुत अलग अलग कंपनीज हैं, जैसे मारुति सुजुकी, ह्यूंडई, मर्सिडीज, BMW। तो फैक्ट ये है कि 1924 में आधी से भी ज्यादा कार्स इस दुनिया में फोर्ड कंपनी की हुआ करती थी। डेल के जो कंप्यूटर्स हैं वो एक 19 साल के लड़के माइकल डेल ने बनाए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, जब ये स्टार्ट कर रहे थे तो उनके पास सिर्फ $1,000 थे, यानी कि 71,000 रुपीज थे। 71,000 उस समय में ज्यादा नहीं थे ये कितनी बड़ी कंपनी स्टार्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी इन्होंने किया और देखो अब क्या है ये कंपनी। एक लाइटिंग बोर्ड जो ये वाली, इसमें ही इतनी इलेक्ट्रिसिटी होती है कि ये अपनी बिजली से 1,00,000 ब्रेड्स को टोस्ट कर सकती है, इतनी बिजली होती है इस लाइटनिंग में। आइसलैंड में एक केला उगता है जिसे ब्लू जावा बनाना कहते हैं और ये नॉर्मल केले जैसा नहीं है, इसका फ्लेवर वेनिला फ्लेवर जैसा होता है और सिर्फ इतना ही नहीं, इसका फ्लेवर मुंह में ज़्यादा देर तक रहता है। नासा ने एक तारों के कॉन्स्टेलेशन को हल्क नाम दिया है। कॉन्स्टेलेशन मतलब तारों की ऐसी फॉर्मिंग जो हमें एक पैटर्न में दिखती है, तो यही फॉर्मिंग को नासा ने हल्क का नाम दिया है, ऐसे पैटर्न को। ये देखो इसका इमेज। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में सिर्फ वहाँ के जादूगरों को खरगोश रखना अलाउड है और वहाँ के दूसरे लोगों को वहाँ ऐसा खरगोश रखना अलाउड नहीं है, सिर्फ वहाँ के जादूगरों को अलाउड है। क्या आपने कभी सोचा है कि अलग अलग प्लैनेट्स पर बारिश कैसे होती होगी? वैसे मैं सारे प्लैनेट्स की बारिश नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन मैं ऐसे कुछ प्लैनेट्स बताऊंगा जहाँ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों की बारिश होती है। तो पहला ग्रह वीनस, यहाँ वीनस पे सल्फरिक एसिड की बरसात होती है और सल्फरिक एसिड को हम फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा प्लैनेट HD 189733b नाम का एक प्लैनेट है और ये प्लैनेट में ग्लास की बारिश होती है। तीसरा प्लैनेट नेपट्यून में डायमंड्स की बारिश होती है और जुपिटर पर भी डायमंड्स की ही बारिश होती है। चौथा प्लैनेट उगले FR 56b और यहाँ पर आयन की बारिश होती है। पांचवा टाइटन पर मीथेन की बारिश होती है और मीथेन को हम फ्यूल की हीट और लाइट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी दबा